शशि ने बिल्कुल सही कहा, कृष्णा बेवकूफ नहीं था। अगर उस चैलेंज को नहीं लिया होता तो वहां रहने वालों का पुलिस पर से भरोसा उठ जाता और वीरप्पन हीरो बन जाता। दरअसल अपने डिपार्टमेंट वालों को उसके पास बॉम्ब रहेगा इस बात का अंदाजा ही नहीं था। पॉइंट यह है कि सक्सेस की तरह फेलियर की भी एक वजह होती है, इसलिए अपने अपने ऑफिसर्स का रेफर देखकर मुझे एक आइडिया आया है। अभी तक तो सभी ऑफिसर्स उसे जंगल से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और नाकाम रहे। मेरा आइडिया यह है कि उसे जंगल से बाहर बुलाया जाए। अरे मैंने मजाक किया यार, हंसो तो सही। सर, उसे जंगल में पकड़ने के बदले जंगल के बाहर बुलाकर पकड़ लिया जाए तो कैसा रहेगा? जोक्स अच्छा कर लेते हो। आई एम नॉट जोकिंग सर। मतलब तुम्हारा प्लान क्या है? मैं ये सोच रहा हूं कि एक सिंसियर ऑफिसर हो यह मैं जानता हूं, लेकिन वीरप्पन को पकड़ने के लिए तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? बताऊंगा सर, लेकिन अगर आप मेरे जज्बात की कदर करेंगे तभी मैं बताऊंगा सर। ओके, आई प्रॉमिस। मेरा खून खौलता है सर, न जाने कितने सालों से अपने डिपार्टमेंट का अपमान कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। दुनिया के सामने हम नामर्द साबित हुए। खैर ये प्रोफेशनल बातें हैं, पर्सनल मैं तभी हुआ जब उसने सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया था। तब से सर कितने अच्छे इंसान हैं वो। उनको किडनैप करने वाली रात को बिजली, बारिश, इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर जमीन पर आ जाएगा। सर पूरा स्टेट, सिर्फ मुझे ही नहीं करोड़ों लोगों को तकलीफ पहुंची। उन हालात में राजकुमार सर कैसे रहे होंगे, उनकी मनस्थिति क्या रही होगी, उनके दिन कैसे कटते होंगे। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि मरने से पहले अगर जीते जी मुझे कुछ करना है वो ये कि उस वीरप्पन को मैं अपने हाथों से खत्म करूं। ओके, व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन? एंड दैट्स माय प्लान सर। देखो तुम्हारा प्लान तो सही लग रहा है, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सारे अवेलेबल ऑप्शंस में आई थिंक दिस इज द बेस्ट। अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ यू विल चूज योर ओन टीम, सेपरेट वर्क करोगे एंड दिस विल बी ऑफ द रिकॉर्ड, करेक्ट? यस सर। ओके, तो कब से स्टार्ट कर रहे हो? मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं सर। Cheers.
सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे जर्नलिस्ट हो या फिर पॉलिटिशियन हो या फूड सप्लायर्स हो, यहाँ तक कि गन सप्लायर्स भी हो, वो सब लोग वीरप्पन से मिल सकते हैं, मगर हम पुलिस वाले चाहकर भी उसे नहीं मिल पा रहे। स्टूपिड बेबी, पॉइंट ये है कि वीरप्पन उन लोगों को जब मिलने के लिए बुलाता है तभी वो लोग उससे मिलते हैं, क्यों है ना। लेकिन वीरप्पन पुलिस वालों को अपने आसपास नहीं फटकने देता, पुलिस उसको ट्रैक ना कर सके, इसलिए उस मूछ वाले ने एक सिस्टम डेवलप किया है। वीरप्पन किसी से भी मिलने के लिए पहले वो आदमी को मैसेज भेजता है, उसके बाद वो इंसान वीरप्पन के आदमियों से मिलता है। इन सबको वीरप्पन गैंग का एक आदमी वॉच करता रहता है। अगर उन्हें पता चल जाए कि आने वाले को कोई फॉलो कर रहा है तो वो मीटिंग कैंसिल कर देता है। एक बार जंगल में घुसने के बाद उसे ट्रैक करना नामुमकिन है, और इसीलिए मैं वीरप्पन को जंगल के बाहर लाकर खत्म करना चाहता हूं। दिस इज नॉट अ जोक। अभी अभी वीरप्पन की स्ट्रैटेजी में और सोच में बदलाव आ रहा है, वरना वो सुपरस्टार राजकुमार जैसे लोगों को आखिर किडनैप क्यों करता। सर वीरप्पन ना बड़े लोगों को किडनैप करके अपनी डिमांड पूरी करना चाहता है, और इन लोगों के जरिए सरकार के सामने सरेंडर करना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। श्रीनिवास भी ऐसे ही सोचता था। श्रीनिवास? हाँ, श्रीनिवास नाम का एक टास्क फोर्स फॉरेस्ट ऑफिसर था, वो वीरप्पन से बात करके उसे सरेंडर करवाना चाहता था। इसके लिए वो वीरप्पन के गांव गोपीनाथ गया, वहां उसकी माँ, उसकी बहन और गांव के सभी लोगों से वो मिला। उसने वहां सबको समझाने की कोशिश की कि वीरप्पन की वजह से ही गांव की तरक्की नहीं हो रही है, उसकी वजह से गांव में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, और फ्यूचर में भी उसकी वजह से ही गांव के बच्चों की तरक्की नहीं हो पाएगी। उसने उन्हें कन्विंस किया कि वो लोग वीरप्पन के सरेंडर करने में उनकी सहायता करें। गांव वालों की बात मानकर वीरप्पन श्रीनिवास से मिलने के लिए आया। कैसे हो आप? छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। तुम मेरे खिलाफ मेरे ही गांव वालों को भड़का रहा है, और मेरी बहन पे तू गलत नजर डालता है। वीरप्पन को लगा कि उसकी जनता को उसके विरुद्ध भड़काया जा रहा है। वीरप्पन यह सोचता था कि उसकी बहन पर श्रीनिवास नजर डाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। श्रीनिवास वीरप्पन को सरेंडर करवाने की बात सोचकर वो जंगल में उसे ढूंढते ढूंढते पहुंचा। ऐसा क्या सच में ये हुआ था? नहीं, ऐसे कह रहा हूं। नहीं तो क्या, वहां ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे कौन कहता? वीरप्पन की क्रूरता के बारे में सुनता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। सर, हमारे बहादुर सैनिक जो उसकी वजह से शहीद हुए हैं, हमें उनका बदला लेना ही होगा। सर, वीरप्पन की बीवी मुत्तुलक्ष्मी के बारे में एक बात पता चली है। हमेशा रेट क्यों बढ़ा देते हो? गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया हुआ है, उसी रेट पे बेचना चाहिए तुम्हें। ये बातें तुम्हें पता नहीं है क्या? प्रेस को इन्फॉर्म करके तुम सबका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी मैं। घबराइए मत, हम पुलिस वाले। पुलिस वाले? आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। वीरप्पन के बारे में सुना है आपने? कौन? वीरप्पन। वीरप्पन? हाँ हाँ, वीरप्पन। कौन है वीरप्पन? तो आपने वीरप्पन के बारे में कुछ नहीं सुना? वो मूछ वाला, वो जो डकैत है। यस, वही। क्या जानती हैं आप उसके बारे में?
थोड़ा बहुत मैंने पेपर और टीवी में देखा है उसे कई बार। किडनैप करता है ना लोगों को, हाथी को मारता है, चंदन को बेचता है, बस मुझे इतना ही पता है। वही वीरप्पन ना? इतना ही नहीं, क्या आपको पता है 184 लोगों का कातिल है वो, जिनमें से करीब 100 सिर्फ पुलिस वाले ही हैं। इतना ही नहीं, उसने खुद अपनी बेटी का भी कत्ल किया है, पता है आपको? क्या? उस वक्त जब एसटीएफ वाले उसे गिरफ्तार करने के लिए जंगल में पहुंचे, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ। उसने अपनी बेटी को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसकी बेटी रोना शुरू कर देगी और उसकी रोने की आवाज एसटीएफ वाले सुन लेंगे। इतना बड़ा राक्षस है वो। लेकिन सर आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? उसे पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। What? वीरप्पन की बीवी मुत्तुलक्ष्मी जंगल से बाहर आती है, मगर वो किसी तरह के कोई अपराध में लिप्त नहीं है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मुत्तुलक्ष्मी अभी भी वीरप्पन के कांटेक्ट में है, ये हम जानते हैं। हमारे इन्फॉर्मर रियल एस्टेट ब्रोकर से हमें पता चला है कि वीरप्पन की बीवी एक किराए का मकान ढूंढ रही है। हम चाहते हैं कि तुम अपना ऊपर वाला फ्लोर उसे किराए पर दे दो और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन उससे मिले वो हमें फॉरवर्ड कर दो। मतलब एक गुप्तचर की तरह? इसमें बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, ये मैं तुमसे कह चुका हूं। मैंने जो भी कहा है उसमें मेरा स्वार्थ है, इसी तरह तुम्हें भी सोचना होगा। मैं इस काम को एडवेंचर के लिए कर रही हूं या एक्साइटमेंट के लिए कर रही हूं या जो भी वजह सोचो, इस बात के लिए तुम्हारे अलावा और 5 लोगों को प्रपोजल मिला है और इन 5 में से सबसे बेस्ट को यह मौका मिलेगा। मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा और तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा। यह अर्जेंट है ऐसा मत सोचो, फिर भी तुम कितनी जल्दी यह फैसला लोगी यह मुझे जानना है, क्योंकि ऐसी बातों का जल्दी फैसला करने वाला ही हमारे डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। काउंटिंग शुरू करने वाला हूं। 1 आई विल डू इट।